गुजरात की चुनावी लड़ाई अब औकात तक आ गई है। एक तरफ चुनावी दांव है तो दूसरी तरफ जुबानी वार शुरू हो गया है। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम ने अभद्र भाषा को मुद्दा बनाकर विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। चुनावी समर में वार पलटवार का दौर शबाब पर है। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे हूँ तो सेवक छू, सेवक छू, हूँ तो सेवादार छू, अने सेवक के सेवादार ने बड़ी औकात होती है। अरे तमे मने नीच पण कयो, नीची जाति नो पण कयो, अरे तमे तो मने मोटो सौदागरो पण कयो। प्रगति, विकास, उन्नति, आगाज। गुजरात के चुनावी समर में अब तक इन शब्दों की चर्चा थी, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द विरोधियों पर वार था, इन्हीं शब्दों के दायरे में नए नए वादों का धुआंधार प्रचार था। पर पहले चरण के मतदान से ठीक 10 दिन पहले पीएम मोदी ने चुनाव का पूरा रुख ही मोड़ दिया, गुजराती गौरव वाली अस्मिता को औकात वाली जंग से जोड़ दिया। सुरेंद्र नगर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा वार किया, औकात वाले बयान पर अपने अंदाज में जवाब दिया। विकास ना मुद्दा चर्चा नहीं करता, एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने नी औकात बतावी देशु, औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, तमे तो बता राज परिवारों छो, हूं तो एक सामान्य परिवार नु संतान छु, मारी कोई औकात नहीं बापा, तमे मारी औकात देखाड़वानी। अरे हूं तो सेवक छु, सेवक छु, हूं तो सेवादार छु, अने सेवक के सेवादार नी बड़ी औकात होती है। दरअसल गुजरात के सियासी रण में कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बड़ा बयान दिया था, गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को औकात दिखाने का ऐलान किया था। गुजरात में लगातार प्रचार कर रहे पीएम मोदी ने सुरेंद्र नगर में इस बयान का जवाब दिया, कांग्रेसी नेताओं को पुराने बयान भी याद दिला दिए। अरे तमे मने नीच पण कयो, नीची जाति नो पण कयो, अरे तमे तो मने मौत नो सौदागरो पण कयो, अरे तमे तो मने गंदी नाली नो कीड़ो पण कीधो, बधू कीधु भाई, तमे बधू कीधु, हवे तमे औकात बतावा निकळ्या छो, अमारी कोई औकात नथी, मेहरबानी करीने विकासना मुद्दानी चर्चा करो। विरोधियों पर तीखे वार और करारे प्रहार से साफ है कि अब गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने का जिम्मा पीएम मोदी ने उठा लिया है, और इसी भरोसे के साथ उन्होंने अब गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी का खुला ऐलान किया है। अने एना कारणे गुजराते प्रो इनकम्बेंसी काम करनारी सरकार ने साथ, काम करनारी सरकार ने सहयोग, काम करनारी सरकार नु समर्थन, एवो नवो राजकीय चीलो चात्रो छे। उधर कांग्रेस पीएम के ऐसे बयानों को चुनावी दांव बता रही है, मोदी पर इमोशनल कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है। क्यों ऐसे मुझे बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, हम तो नीतियों की बात करते हैं, कार्यक्रम की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, पता नहीं वो भावात्मक मुद्दे बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि हम चाहते हैं प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम का आधार बढ़ा दीजिए। प्रदेश में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने अपने एक्शन प्लान को जमीन पर उतार दिया है, पूरा का पूरा चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही ला दिया है। पीएम मोदी हर चुनावी रैलियों में गुजरात के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, प्रदेश का विकास रोकने वालों पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। जिन्होंने भारत की जनता पद पर थी हटा भी दीदा छे, एवा लोको पद माटे यात्रा करी रहा छे, पद माटे यात्रा करे तो लोकशाही में करे, परंतु जेमणे गुजरात ने तरसू राख्यु, जेमणे गुजरात में मां नर्मदा ने आवती रोकवा माटे 40-40 वर्ष सुधी कोर्ट कचेरीओ करी,
एवं नर्मदा विरोधियना खबे हाथ मुकीने पद माटे यात्रा करवा वालाओ आ गुजरात नी जनता तमने सजा करवानी छे सजा। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सत्ता है। विजय के इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी फिर पार्टी के सारथी बने हैं। पार्टी को विश्वास है कि मोदी का मैजिक गुजरात में असर दिखाएगा, मोदी के गृह राज्य फिर से भगवा लहराएगा। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।